नीट 2024 एग्जाम ड्रेस कोड क्या है, आपको नीट एग्जाम 2024 में क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं, इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA.ac.in ने गाइडलाइन जारी किया है। नीट वेबसाइट पर जाकर के आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका पढ़ने का दिल वहाँ पे नहीं है तो हम इस वीडियो में सारा जानकारी आपको बताने वाले हैं, क्या पहनकर जाना है, क्या क्या जरूरत है एग्जाम में जाने से पहले। दोस्तों, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में नीट UG 2024 का समय करीब आ चुका है। 5 मई को नीट 2024 एग्जाम होना है। इस परीक्षा में आप क्या पहनकर जाने वाले हैं ये बात बेहद मायने रखती है, क्योंकि अगर कुछ गलत पहन लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए NTA ने नीट के ड्रेस कोड जारी कर दिया है। बताया है कि किस तरह के कपड़े या जूते परीक्षा में पहनना वर्जित है। मोटे कपड़े या लंबी बांह के शर्ट, कुर्ता या कोई कपड़ा जिसमें फुल स्लीव हो पहनने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप परीक्षा केंद्र पर धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनकर आते हैं तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटा पहले, यानी कि दोपहर 12:30 बजे से कम से कम 1 घंटा पहले नीट एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। इससे जांच के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और परीक्षा की गरिमा भी बनी रहेगी। आप केवल चप्पल या कम ऊंचाई की सैंडल पहन सकते हैं। जूते पहनकर नीट परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर किसी कारणवश, चाहे चिकित्सा हो या किसी और वजह से, आपको ड्रेस कोड में बदलाव करना पड़े तो एडमिट कार्ड जारी होने से पहले NTA से अनुमति जरूर ले लें। परीक्षा सुचारू संचालन के लिए निर्देशों का पालन करें। NTA ने उम्मीदवारों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। ऐसा न करने की स्थिति में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। NTA ने कहा है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने जरूरी है, लेकिन एजेंसी यह भी समझती है कि फीमेल कैंडिडेट्स की तलाशी के दौरान संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है। इसलिए परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों को इसके अनुसार विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। महिला उम्मीदवारों की तलाशी एक बंद कमरे में केवल महिला कर्मचारी द्वारा ही की जाएगी।